हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। एक बार फिर आप सभी का आपकी अपनी खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आपकी खुशबू इंदौरी जो है वो फिर से राजबाड़े के मार्केट में घूम रही हैं और अपनी दोस्त को लेके आई हैं, या यूँ कहिए उनकी दोस्त उनको लेके आई हैं। तो राजबाड़े पहुँचते ही सबसे पहले हम लोग महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन करने आए हैं। मैं निकली कई बार हूँ पर ऐसा कभी मौका ही नहीं मिला कि अंदर जाने का, दर्शन करने का ऐसा कोई दिन बना हो। तो आज मौका अच्छा था, भीड़भाड़ भी कम थी, तो आज अच्छे से हम लोगों को महालक्ष्मी जी के दर्शन हुए। मैंने और मेरी फ्रेंड ने अच्छे से दर्शन किए। उसके बाद वहीं आगे चल के 2-4-10 कदम की दूरी पर ये हमारे गोपाल जी का मंदिर, बांके बिहारी जी का मंदिर था, तो हम लोगों ने वो भी विजिट किया, उनके भी दर्शन किए। और आज हम खास तौर पर मुहर्रम, आज जो त्यौहार है मुहर्रम का, उसके लिए हम लोग आए थे। तो कहा जाता है कि ताजिए देखने पर और उनसे जो भी मन्नत मांगी जाती है वो विश जो है वो ज़रूर पूरी होती है। हमारे जो मुस्लिम व्यूवर्स हों वो हमें इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ज़रूर डिटेल बताएं। जितना हमें पता है, जितनी हमें जानकारी है, उसमें तो हमें इतना ही पता है कि ताजिए के नीचे निकलने से कभी कोई बीमार नहीं होता है और जो भी विश मांगी जाती है वो ज़रूर पूरी हो जाती है। इसीलिए मेरी फ्रेंड जो है वो हर साल यहाँ आती हैं, तो इस साल उन्होंने मुझसे इंसिस्ट किया, बोले कुछ शॉपिंग भी हो जाएगी दुकान के लिए और हम लोग दर्शन भी कर लेंगे। मैं तो भारत देश में रहती हूँ जहाँ गंगा जमनी तहजीब बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, हिंदू मुस्लिम सभी लोग को एक समान माना जाता है और मेरा भी यही मानना है। तो इसीलिए खास तौर पे हम लोग राजबाड़े आए थे ताजियों के और दरगाह के दर्शन करने। आए तो कई बार हैं पर ऐसा मौका कभी नहीं मिला था हम लोगों को। तो आज मैंने आप सभी के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, सभी के लिए विशेष मांगी जो ज़रूर पूरी होंगी, आई होप। हेलो फ्रेंड्स, इस समय हम लोग राजबाड़े के जो सीधे जी के राजबाड़े खा रहे हैं और ऑर्डर दे दिया है, आने वाले हैं अभी। और हम लोग आज मुहर्रम के दिन यहाँ पे ताजिए निकलते हैं, उनको देखने आए थे। और इमामबाड़ा में जो दरगाह है वहाँ पे दर्शन करने आए थे उनके, तो दर्शन वगैरह सब हो गए अच्छे से। आप हम लोग थोड़ी देर पूजा करते हैं और जोशी जी के दही बड़े, मिर्ची बड़े, भुट्टे की केस और कचौड़ी का आनंद ले रहे हैं। सॉरी दोस्तों, दही बड़े खाते हुए तो नहीं दिखा पाए, लेकिन मैं ये दिखा रही हूँ कि हमारे जो जोशी जी के दही बड़े हैं वो टाइम्स ऑफ इंडिया में इनका ये आर्टिकल छपा हुआ है, किसी ज़माने की बात है। इतने फेमस इनके दही बड़े हैं कि इन्हें जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में जगह मिली है। और मिर्ची बड़े, दही बड़े, कचौरी, भुट्टे का किस बहुत ही ज़्यादा फेमस है इनके यहाँ का। कौन कौन हमें इंदौर से देख रहा है और किसने किसने जोशी जी के दही बड़े खाए हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अब हम लोग जो है पेट पूजा करके अब हम लोग मारूठे मार्केट में आए हुए हैं, जिसमें पूजन सामग्री और हमारे कन्हैया जी से संबंधित जो भी चीज़ें उनके श्रृंगार की होती हैं वो सभी यहाँ पर अवेलेबल हैं। और जन्माष्टमी आ भी रही है तो हम लोग भी कुछ ना कुछ भगवान के लिए लेने आए हैं। भाभी अपनी दुकान के लिए सामान लेने आई हैं, शॉपिंग करने आई हैं, तो ये हम दिखा रहे हैं आपको। इतनी सुंदर दुकान, इतना अच्छा सामान, लग रहा था कि क्या पाएं क्या ले लें, ये सोच रहे थे कि सारा एक साथ ही सब कुछ भर लें, भगवान के वस्त्र, भगवान की मुकुट, मुरली, हार माले, उनके सिंहासन, उनके झूले, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही सुंदर। जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये उनके शयन करने के लिए एक बिस्तर बनाया गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। और मैंने बहती गंगा में हाथ धो लिए तो मैंने भी एक अपने कन्हैया जी के लिए सिंहासन खरीदा है, जो मैंने बहुत अच्छा लगा मुझे, एक नज़र में ही पसंद आ गया था तो मैंने ये ले लिया है। और मैं वस्त्र वगैरह देख रही हूँ उनके लिए, अब आए हैं तो कुछ ना कुछ तो ले ही सकते हैं। हालांकि भाभी ने अपनी शॉप के लिए बहुत सारा सामान लिया है तो मैं उनसे भी ले सकती हूँ, पर मुझे ये सिंहासन बहुत ही लाइक हुआ तो मैंने खरीद लिया। हम लोग मारूठे मार्केट में सारा सामान लेते हुए दुकान के लिए जो भी चीज़ें लगती हैं सब लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर पूजा पाठ की सामग्री जो है वो थोक रेट में मिलती है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह और साबुन वगैरह जो होते हैं, फिनाइल वगैरह जो होते हैं, सभी चीज़ें जो है वो थोक रेट में मिलती हैं और रीज़नेबल रेट रहता है। तो ज़्यादातर लोग अपनी शॉप के लिए ही यहाँ से सामान जो है वो ले जाते हैं,
बड़ी मात्रा में। राखियाँ तो इतनी ज़ोरदार लगी हुई थी, आजकल तो राखियों का बहुत ही ज़्यादा बाजार जो है वो गर्म है, एकदम जोरों शोरों पर रक्षाबंधन की तैयारियाँ और ख़रीदारी चल रही है। ये आप देख रहे होंगे झूले। एक बार दुकान में हम लोग घुस गए तो निकलने का मन नहीं हो रहा था, लग रहा था सारा कुछ ले लो, भगवान के पंखे, भगवान की लोड़, भगवान के वस्त्र, उनके मुकुट, उनके साफे, उनके बाल, बहुत ही अच्छा अच्छा सामान था। ये भाभी को पंखे बहुत पसंद आए भगवान के, तो इस तरीके से हम लोग आज राजबाड़े में मारूठे मार्केट में शॉपिंग कर रहे हैं और आपको भी शॉपिंग करवा रहे हैं। एक तरीके से आपको भी आइडिया लग जाएगा कि हमें क्या लेना है अपने कान्हा जी के लिए और कैसे क्या खरीदना है, तो आपको भी थोड़ा बहुत आइडिया लग ही जाएगा। हम लोग सामान ले चुके हैं, अब हम लोग आगे ये बर्तन बाजार में आ चुके हैं। एक बड़ा सा बर्तन मार्केट भी है, मैं तो पहली बार ही आई हूँ, भाभी को सभी चीज़ें जानकारी हैं, वो हमेशा से यहाँ से लेती होंगी या फिर आती होंगी कई साल से, मुझे तो नहीं पता था। मैं सारी चीज़ें जो है वो पहली बार घूम रही थी और पहली बार आपको भी सभी को घुमा रही थी, तो मुझे बताइएगा कि कौन कौन से लोग जो है वो इंदौर से हैं और कौन कौन लोग जो हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं। तो इसके बाद हम लोग चूड़ी की शॉप पे आ चुके हैं, रक्षाबंधन है तो चूड़ियाँ तो बहुत ही ज़्यादा सेल हो रही हैं, तो हमने सोचा अब आए हैं तो थोड़ी सी चूड़ियाँ और हम लोग खरीद लेते हैं दुकान के लिए। बहुत ही अच्छा और रीज़नेबल सामान है, रीज़नेबल दुकानें हैं, तो समझ में आ जाता है क्या लेना है, कैसे क्या सेल आउट होगा। वो लोग भी हम लोगों की मदद कर देते हैं, कैसे क्या बिक्री करनी रहती है, कितने की क्या चीज़ रहेगी, तो समझ में आ जाता है। तो चूड़ियाँ ली हैं हम लोगों ने, प्लास्टिक का भी थोड़ा सामान भरा हुआ है और भी बहुत सारी चीज़ें, भगवान जी का भी, पूजा पाठ का भी सामान लिया हुआ है हमने। अब मैं घर जाके इनकी दुकान जमवाऊंगी दोस्तों, तो उसका भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी तो मेरा यही वीडियो है, आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल से जुड़े रहें। आप अपना जो स्नेह प्रेम मेरे ऊपर लुटा रहे हैं दोस्तों, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपसे धन्यवाद कहती हूँ। बिल्कुल इसी तरीके से अपना प्रेम, अपना स्नेह इसी तरीके से मेरे ऊपर बनाए रखिएगा, सपोर्ट बनाए रखिएगा। बस और क्या चाहिए आपकी खुशबू इंदौरी को, तो बस मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद, आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।